जफरपुर में गुरुवार को देश का 78वां स्वाधीनता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शहीद खुदीराम बोस मैदान में ध्वजारोहण किया। उन्होंने परेड की सलामी ली और उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए बिहार में राजग सरकार के विकास योजनाओं पर प्रकाश डाला। उप मुख्यमंत्री ने खास तौर पर डायल 112 को अधिक प्रभावी बनाने और मुजफ्फरपुर के समग्र विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। साथ ही अपराध और अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने की भी घोषणा की। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं, खिलाड़ियों और पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। मौके पर तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त गोपाल मीना, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, SSP राकेश कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। माननीय उप मुख्यमंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा सर, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, आत्मविश्वास की झलक माननीय उप मुख्यमंत्री के चेहरे पर, और आज का यह पावन दिन अक्षम वाहन सवारी मंच की ओर। आज के समारोह सलामी सर, प्रथम परेड कमांडर के नेतृत्व में पुलिस उपाधीक्षक रक्षित तृतीय टॉपर रौनक भारती, ये दोनों 470 अंक प्राप्त किए हैं। इनके HS भरवारी स्कूल से हैं। ये रौनक भारती जो मैट्रिक में जिले के टॉपर हैं ये, और जिले में दूसरे स्थान पे जो MS महेश्वरा के एवं साइबर ठगी 3,41,17,897 रुपये आमजनों का बचाया गया है। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत सभी थाना, OP, पुलिस अंचल,
पुलिस अनुमंडल एवं विभिन्न कार्यालयों में स्वच्छ पेयजल हेतु आरओ लगाया गया। जिला अंतर्गत सोशल मीडिया सेल का गठन किया गया है जो 24 घंटे लगातार कार्यरत हैं। सोशल मीडिया द्वारा और सामाजिक तत्वों इनके द्वारा विवादित टिप्पणियों पर सतत निगरानी रखी जाती है एवं अफवाहों को त्वरित रूप से खंडन किया जाता है। साथ ही गिरफ्तारी एवं अन्य जानकारी सोशल मीडिया पर बने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से दी जाती है। पिछले एक वर्ष में 148 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सजा दी गई। मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति सरकार एवं प्रशासन सजग है। बच्चों में होने वाले AIDS की बीमारी के प्रभावी नियंत्रण के लिए नियमित सरकार और प्रशासन प्रारंभ से ही गंभीर और संवेदनशील रही है। सघन जागरूकता कार्यक्रम के साथ त्वरित रिस्पांस प्रणाली ने AIDS को पूरी तरह से नियंत्रित रखा है। यद्यपि पूरे जिले में AIDS के 28 मरीज सामने आए जो गहन पर्यवेक्षण में स्वस्थ होकर अपने घर लौटे तथा किसी बच्चे की मृत्यु इस वर्ष नहीं हुई है। इसके लिए हम स्वास्थ्य विभाग, ICDS, जीविका, जिला प्रशासन और आप सब लोगों को हम बधाई देते हैं। मुजफ्फरपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक कुल 79,283 बाह्य रोगियों का इलाज किया गया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत अंतर्गत 17,24,125 लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड बनाया गया। मरीजों की सुविधा हेतु संस्थान में 32 प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध है। 17 अस्पताल में कुल 62 प्रकार की जांच सुविधा है। विदित हो कि कुल 13 स्वास्थ्य संस्थानों में एक्सरे की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है और 17 अस्पताल में आधुनिक अल्ट्रासाउंड स्थानीय व्यवस्था के तहत संचालित है। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत सभी 16 अंचलों के कुल 1676 राजस्व ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण का कार्य जारी है। इसके लिए जिले में 14 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 21 कानूनगो, 321 अमीन, 25 लिपिक कार्यरत है। अतः मुजफ्फरपुर जिला के आम नागरिकों से अपील है कि भूमि विवाद को खत्म करने के लिए सरकार के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपनी सहभागिता प्रदान करें। उम्मीद है कि आप सभी के सहयोग एवं हमारे कृत संकल्प से बिहार सरकार का भूमि सुधार का यह लक्ष्य विशेष सर्वेक्षण के तहत माह जून 2025 तक जरूर पूरा होगा। प्रफुल्ल चाकी, जुब्बा साहनी, वैकुंठ शुक्ल सहित असंख्य गुमनाम क्रांतिकारियों बलिदानियों की यह कर्म भूमि रही है। लीची की मिठास लिए बजकांचल लोक भाषा का यह क्षेत्र अनेक विद्वानों, कला साधकों, समाज सेवियों की कर्मस्थली भी है। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री, पंडित सीताराम हरी दांडेकर, पद्मश्री श्याम नंदन सहाय सरीखे अनेक महापुरुषों ने मुजफ्फरपुर में साहित्य, संगीत एवं समाज कल्याण के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान दिया है। जिले में अपराध नियंत्रण तथा सुशासन कायम करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुजफ्फरपुर जिले में कुल 7 पुलिस अनुमंडल, 7 पुलिस अंचल तथा 47 थाना एवं OP कार्यरत है। पिछले एक वर्ष में 18,630 कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है तथा यहां कई तरह के अपराध पर लगाम लगाने का काम भी किया गया है। आज इस वर्ष पुलिस मुख्यालय द्वारा जिला अंतर्गत डायल 112 में कुल 75 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें 50 चरपहिया, 25 मोटरसाइकिल जिले के सभी थानों में कार्यरत है। इससे 100 पुलिस पदाधिकारी एवं 200 पुलिस कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया है तथा सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में यह व्यवस्था 24 घंटे कार्यरत है। डायल 112 की निगरानी हेतु जिला में DC कार्यालय संचालित है, जहां जिला स्तर पर वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फर एवं पुलिस उपाधीक्षक द्वारा लगातार समीक्षा बैठक कर रिस्पॉन्स टाइम को कम करने की योजना पर काम कर रहे हैं।